हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक और नया क्वेश्चन जो उसको सॉल्व करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का है, क्लास टेंथ का। देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो है द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ ए टावर, वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। तो एक टावर, वर्टिकल टावर, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ये हमें एक वर्टिकल टावर दे रखा है। और उसके बाद बोलता है ग्राउंड में यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसके टॉप का वो है थीटा। तो यहाँ पे टेंजेंट जो इसमें बन रहा है वो 5/12 बन रहा है। और वहीं पे बोलता है हम वो करते हैं 192, ये बी पॉइंट है कोई। तो यहाँ पे 192 मीटर जो है इसके फुट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि है पॉइंट पी। तो ये एंगल चेंज हो जाता है फाई में। तो उसमें उस समय टेंजेंट जो है वो चेंज हो जाता है, बोलता है 3/4 इतना रहता है। तो इस टावर की हाइट निकालनी है, तो इसका नाम हमने ये क्यू पी हो गया और ये ए बी और पी हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमने एक्स मीटर मान लिया। ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमने एच मीटर मान लिया कि इसकी हाइट है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें काफ़ी आसान है ये। पहले हम इस ट्राइंगल को लेंगे ए क्यू पी को, इसमें टेन तो हमें दे ही रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकल जाएगा। इसमें रिलेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद इस ट्राइंगल को सोल्व करेंगे, उसमें से भी हाइट निकालेंगे और बाद में इक्वेट कर देंगे। देखिए इसमें इन ट्राइंगल ए क्यू पी हमें टेन थीटा दे रखा है, कितना टेन थीटा है 5/12। तो हमने टेन थीटा इज्कवल टू 5/12 लिख दिया, और टेन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हमें ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हमारे लिए एच और बेस हो जाएगा हमारे लिए ए पी, जो कि है 192 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 192 प्लस एक्स, और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको यहाँ पे। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू के लिए हो जाएगा ये 960 जो इस साइड आ जाएगा, तो ये जाएगा 12h माइनस 960/5 इज इक्वल टू एक्स के बराबर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब ये तो हमने करा था इस वाले ट्राइंगल से, अब हम करेंगे इस वाले ट्रायंगल में। तो इस वाले ट्रायंगल में भी हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू को। तो अब इन ट्रायंगल क्यूबीपी इसमें हमें कितना दे रखा है, टेन फाई। तो टेन फाई इज इक्वल टू, फाई की वैल्यू है 3/4, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा एच और बेस हमारा एक्स हो गया 3/4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x इज इक्वल टू 4h/3। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों x के बराबर है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो इसमें x x के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे 12 एच माइनस 960/5 इक्वल टू 4h/3। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 36h माइनस 2880 इज इक्वल टू 20h। और बाद में जिसमें सोल्व करने के बाद h की वैल्यू आएगी वो आएगी 180। तो अब हमें हाइट मिल गई, जो ट्राइंगल की नहीं, इसमें जो टावर की हमें हाइट चाहिए थी वो हमें मिल गई यहाँ पे। तो यही हमें इसमें निकालना था, क्योंकि बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बस इस तरह से हाइट हमें मिल गई इसमें। और अगर आपका कोई किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।